दोस्तों आप महाभारत के शकुनी को तो जानते होंगे। शकुनी अपने गोल को हर रोज याद करने के लिए अपने जांग में साकू मारा करता था। हर रोज अपने जांग में साकू मारता था अपने गोल को याद रखने के लिए कि वो भूल ना जाए, भटक ना जाए, कहीं वो दूसरे चक्करों में ना पड़ जाए। चित्रस्थ और दुर्योधन का अगर हम सही मतलब हम अपने जिंदगी में समझे ना, चित्रस्थ मतलब अंधा, अंधा मतलब हमारी अज्ञानता, और दुर्योधन मतलब अपना बिगड़ा हुआ मन। जब अज्ञानता और बिगड़ा हुआ मन दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उस आदमी को बर्बाद होने में स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। मन नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, आज मन नहीं है कुछ सीखने का, मन नहीं है। और ये क्यों ऐसा कर रहा है अपना मन, अपना अज्ञानता, ज्ञान नहीं है, एवर नहीं है वो, अपने आप को जानता नहीं है वो, अपने मन को कैसे हैंडल करे नहीं सिखाई उसने। बर्बादी तय है, निश्चित है, स्वयं ब्रह्मा नहीं बचा सकता है उस आदमी को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आओ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आप सीखने वाला हो, ये जो मोल्ड है प्रैक्टिकल मोल्ड है जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, तो ये मोल्ड है, इस मोल्ड की हम आज कूलिंग टाइम निकालने वाले हैं। कूलिंग टाइम निकालेंगे मतलब इस मोल्ड में जो मेरा मोल्ड है आप देख पाओगे यहाँ पे आपका हाइड्रोलिक चल रहा है, तो स्लीपर इंजेक्शन है, तो इस मोल्ड में आज हम कूलिंग टाइम निकालने वाले हैं। कूलिंग टाइम निकालेंगे कैसे, प्रैक्टिकली दिखाने वाला हो, वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी चीजें मिस मत करना। तो सबसे पहले हम जो है ये जो कंपोनेंट देख पाओ, ये कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को हम कूलिंग टाइम निकालेंगे सारा फॉर्मूला से। कोई भी आपके पास प्लास्टिक कंपोनेंट हो ना, उसकी आप कूलिंग टाइम निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। और कैसे करना है, कौन सा वैल्यू लेना है, थर्मल डिफ्यूसिविटी क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, डेंसिटी क्या है, सारा चीजें आपको यहाँ पे पता लगेगा, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या फॉर्मूला होना है, तो सारा चीजें बताने वाला हूँ। तो मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है, कंपोनेंट आप देख पाओगे जो स्पाइरोमीटर है, ये स्पाइरोमीटर का कंपोनेंट है, तो ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है। इसकी आज जो हम कूलिंग टाइम निकालना आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को मिस मत करना। जिसको भी इस तरीके से इस लेवल में क्लासेस ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा अलग अलग बैच में क्लासेस वगैरह चलते रहता है, लाइव भी कराते हो, रिकॉर्डेड भी कराते हो, दोनों फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जाके नंबर मेंशन है वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं आपको कंपोनेंट दिखा देता हूँ। जो मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे देख पाओगे, रेस्पिरेटरी का है, जिसमें आप जो है अपना जो सांस लेते हो इसमें कितना प्रेशर वगैरह क्रिएट हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बॉल के थ्रू। मैं आपको एक बार गूगल में दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो एयर सक्शन है और जो एयर रिलीज है आप इसको देख सकते हो कितना जो आता है। तो इस ये मोल्ड है ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड मोल्ड है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, बताऊंगा नहीं, इस बारे में आपको दिखाऊंगा बना के, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट जो है उसकी मेरे को वेट निकालना है। तो ये जो है हमेशा ट्रांसपेरेंट में बनता है, ट्रांसपेरेंट में बनता है, या तो आपका पीएच का बनेगा या पीसी का बनेगा। पीएच का तो बनेगा नहीं, ये बनेगा पीसी का। तो पॉलीकार्बोनेट जो है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इस प्लास्टिक कॉम्पोनेंट का हम वेट निकाल लेते हैं। तो मेजर बॉडी में जाके इसका मैं वेट निकाल लेता हूँ। तो मेरा वेट आ रहा है अराउंड 96 ग्राम का, यहाँ पे देख पाओगे 96 ग्राम का मेरे का वेट निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रनआउट वगैरह अलग है और यहाँ पे मेरा जो है श्रिंकेज एड हो रहा है, ठीक है। रनआउट वगैरह का मैंने यहाँ पे वेट नहीं लिया, तो आपको पता लग गया 96 ग्राम का है। तो सबसे पहले इसकी मुझे कूलिंग टाइम निकालना है, ठीक है। कूलिंग टाइम मैं कैसे निकालूंगा, इस पार्ट को मुझे अप्रोक्सीमेटली कितना कूलिंग टाइम चाहिए, तो हम कैसे प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है, वो जो है इसमें मैं बताऊंगा आज। तो सबसे पहले जो है कूलिंग निकालने से पहले आपने पार्ट का जो है वेट निकाल लिया, कौन से मेटेरियल में आपको पता लग गया, पीसी है तो इसमें कूलिंग टाइम थोड़ा ज्यादा होता है दूसरे मेटेरियल के कंपेयर में। आज जो है इसकी हम कैलकुलेशन करने वाले, सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले आपको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। जो कूलिंग टाइम चाहिए ये आपका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में आपको चाहिए टी क्या होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे बताऊंगा टी क्या होता है। आपको वॉल थिकनेस होता है, मेटेरियल कौन सा ले रहा हूँ, पीसी ले रहा हूँ, मेल टेम्परेचर कैसे लिया मैंने, सरफेस टेम्परेचर कैसे लिया, हीट डिविजिबिलिटी मैंने कैसे लिया। तो मेरे को यहाँ पे हीट डिविजिबिलिटी चाहिए, ये तो आपको डायरेक्ट गूगल पे भी मिल जाएगा, लेकिन इसका कैलकुलेशन होता है, ठीक है। अगर आपको हीट डिविजन निकालना होता है, इसको जो आपका डिनोट करते हैं अल्फा से, हम इसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सी मेटेरियल ले रहा हूँ, मेटेरियल इंपॉर्टेंट है, आप पीसी ले रहे हो। अगर आपको हीट डिविजिबिलिटी निकालना है ना, तो सिंपली आप जाके या गूगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा ना यहाँ पे, तो हीट डिविजिबिलिटी हो, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीकार्बोनेट, मैं अगर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पॉलीकार्बोनेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन के आ रहा है। तो यहाँ से मैं सिंपली वैल्यू सारे पुट कर लूंगा। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, 0.19 से लेके 0.22 है, ठीक है, ये मेरा थर्मल कंडक्टिविटी है, इसको डिनोट करते हैं के से। थर्मल डिफ्यूसिविटी कितना आता है, 0.144 ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का आता है। स्पेसिफिक हीट कितना आता है, 1.2 से लेके 1.3 तक आता है, ठीक है, किलो जूल केजी केल्विन में आता है, पर केजी केल्विन में आता है। तो ये मेरे को यहाँ से वैल्यू मिल गया। अगर मुझे यहाँ पे नहीं है, गूगल में सर्च करना है, तो गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएंगे, मीशो में
विषय में आपको ये जो है यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी जाकर देख सकते हो, इसमें सरफेस टेम्परेचर होता है, ठीक है। सरफेस टेम्परेचर में कितना बन के आती है, देखो यहाँ पे अगर आपको डिफ्यूसिविटी चाहिए ना, थर्मल डिफ्यूसिविटी चाहिए, तो इसमें आपको जो है 50 डिग्री में लूंगा तो आपको कितना आता है 1.04। यहाँ पे हल्का सा कम ले रखा है, तो हम जो है यहाँ से नहीं लेंगे, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन से निकल के वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो हमको किसी पीडीएफ का हम डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद से बनाना भी अपने को आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा, जाने की बात मैं यहाँ पे थर्मल डिविजिबिलिटी डालूंगा। थर्मल डिविजिबिलिटी क्या होता है, अल्फा से जीरो होता है, थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए। अब थर्मल कंडक्टिविटी मुझे कहाँ से मिला, मुझे गूगल से मिल गया, तो गूगल से मैंने यहाँ पे कितना डाल दिया, थर्मल कंडक्टिविटी कितना है मेरा, ठीक है, मैं यहाँ पे 0.19 से लेके 0.2 है, मैं तो यहाँ पे 0.2 वैल्यू पुट करूंगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 0.2 डाल दिया। अब स्पेसिफिक हीट कितना है, स्पेसिफिक हीट मुझे चाहिए, अब स्पेसिफिक हीट मुझे निकालना है, तो स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दे रखा है जो स्पेसिफिक हीट होता है आपका 1.2 से लेके 1.3 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.2 ले रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट अप्रोक्सीमेटली आपका ये 1.2 के अराउंड आता है, प्लास्टिक का हम लोग का जो पीसी यूज करता हूँ मैं, तो 1.2 है। और जो यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक मेटल, किसका डेंसिटी चाहिए मेरे को, मेरे को डेंसिटी चाहिए प्लास्टिक पीसी का, ठीक है। तो पीसी का जो डेंसिटी आता है ना 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का आता है। तो आपको अगर हर एक प्लास्टिक मेटल का डेंसिटी चाहिए तो यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना अपना ईमेल आईडी डाल देना, मैं आपको जो डेंसिटी साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको बनने की बात कितना बन के आ रहा है, 0.138 अप्रोक्सीमेटली, हम इसको 0.14 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटों में और वैल्यू है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया है। तो आपको कितना मिल के आ रहा है, 0.133। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं थर्मल डिविजिबिलिटी लेता हूँ, अब देखो ये डिपेंड करता है केबीटी सरफेस टेम्परेचर, मतलब मोल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मोल टेम्परेचर अगर 50 है तो यहाँ पे 1.0 दिखा रहा है, लेकिन मेरा ये जो ये वैल्यू है, कैलकुलेट वैल्यू है, इसको मैं मास्टर लेके बनूंगा, तो ये मास्टर ले लूंगा, मेरा कितना आ रहा है 0.138 आ रहा है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ, अगर मैं इसमें देखता हूँ, मेरा जो यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो आप देखोगे थर्मल डिविजिबिलिटी कितना आ रहा है, 1.14 आ रहा है, 0.14 आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरा जो है यहाँ पे सही आ रहा है, तो वैल्यू जो है मेरा यहाँ पे सही आ रहा है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसको देखना है तो यहाँ से भी आप ले सकते हो, बट आई रेफर आप गूगल से करो या खुद से निकाल लो, ठीक है, तो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको कूलिंग टाइम निकालना है, कूलिंग टाइम किसका निकालना है, इस मोल का निकालना है, ठीक है। अब इस मोल का जो मैं कूलिंग निकाल रहा हूँ, कूलिंग कुछ इस तरीके से मैं दे रहा हूँ, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखाना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं बफेल कूलिंग कर रखा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो मोल्ड है इसमें मैं बफेल कूलिंग कर रखा हूँ, ठीक है। अब बफेल कूलिंग कैसे करते हैं, सही है, इस तरीके से अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है, इस तरीके से अगर आपको सारा स्टैंडर्ड में समझाना है, प्रैक्टिकली समझना है, प्रैक्टिकली क्लास लेना है, तो आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कूलिंग टाइम देखो यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला होता है टी स्क्वेयर हो गया आपका थिकनेस का बाई पाई, पाई का आपका पाई हो गया 3.14 आता है, स्क्वेयर डी क्या हो गया आपका हीट डिफ्यूसिविटी, ये आपको कहाँ से मिला, यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, हीट डिफ्यूसिविटी अल्फा निकालना है, ठीक है। तो अल्फा जो है यहाँ पे कोई अल्फा का कोई आइकन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल डी से उसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लॉग लगाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर माइनस मोल टेम्परेचर, उसके बाद डिवाइडेड बाई टेम्परेचर ऑफ इजेक्शन टेम्परेचर माइनस मोल टेम्परेचर। तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो या रट लो, ये आपको जिंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। अब मेटेरियल क्या है, मेटेरियल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटेरियल के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, अब इसका मैं कूलिंग टाइम आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, कितना सही है अप्रोक्सीमेटली। तो अभी हमने वॉल थिकनेस कितना है, अभी देखो वॉल थिकनेस चाहिए मेरे को, इस पार्ट का मेरे को वॉल थिकनेस क्या है, मेरा जो कंपोनेंट है इसकी वॉल थिकनेस निकालना है। वॉल थिकनेस करूंगा तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4.37 आ रहा है, कितना आ रहा है, दोबारा से दिखा दे रहा हूँ, कितना आ रहा है, 4.37 आ रहा है। तो मेरे को वॉल थिकनेस जो है मिल गया, मैक्सिमम वॉल थिकनेस 4.3। आप बोलोगे सर ये तो कभी कभी गलत दिखाते हैं, गलत नहीं दिखाते, अगर यहाँ से भी आप देखोगे ना, जो करा रहा हूँ ना प्रैक्टिकली करा रहा हूँ, कोई भी नहीं करेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको, जो करा रहा हूँ पूरा प्रैक्टिकली करा रहा हूँ। कितना है, 4.27 है, कुछ अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे हल्का सा ज्यादा है, ठीक है, तो 4.3 का है, तो 4.3 का हम यहाँ पे लेके करेंगे, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जिसको भी इस तरीके से सीखना है ना, आप डायरेक्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हो, इस तरीके से कहीं पर नहीं मिलने वाला है आपको। देखो मिल गया, यहाँ पे मिला मोल टेम्परेचर कितना है, 265। अब मेरे को मोल टेम्परेचर कहाँ से मिल गया, ये तो मैं अपने आप तो थोड़ी ना लूंगा, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा मोल टेम्परेचर ऑफ पीसी, कितने से मेल्टिंग टेम्परेचर स्टार होता है, सॉरी मेल्टिंग टेम्परेचर कितने से स्टार होता है, 265 से पीसी का मेल्टिंग टेम्परेचर स्टार होता है, हर एक प्लास्टिक मेटेरियल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। नहीं है, अपना ईमेल डालो, कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है।
जो भी मेंबरशिप है ऑलरेडी उसको मिलता रहता है, मेंबरशिप लेना है पीडीएफ कैलकुलेशन बार नीचे हुआ है वहां पे आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे 20-30 जमा होगा ना तब मैं भेजता हूँ, एक एक करके हर इंडिविजुअल को नहीं भेज पाता हूँ ना, जैसे 20-30 जमा हो जाते हैं ना तब मैं भेज देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना 265 मिल गया मुझे, तो 265 कितना है मेरा पीसी का मेल्टिंग टेम्परेचर, यहाँ से स्टार्ट होता है रेंज। ठीक है, सरफेस टेम्परेचर होता है मोल टेम्परेचर, तो मोल जो अराउंड मेरा टेम्परेचर रहेगा 50 डिग्री जो है मैं यहाँ पे मोल टेम्परेचर रखूंगा। इजेक्शन टेम्परेचर, ये इजेक्शन टेम्परेचर क्या होता है, जब मोल कंपोनेंट इजेक्ट होता है इजेक्टिंग टाइम में कितना टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर होता है ना कम ज्यादा करके इसको आप कर सकते हो, तो यहाँ पे 80 डिग्री लेता हूँ मैं। ठीक है, और जो मेरा हीट डिविजिबिलिटी है कहाँ से मिल गया मुझे, यहाँ से मिल गया। ठीक है, हीट डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ से तो मेरे को वैल्यू निकाल के आपको दिखा दिया, लेकिन मैंने जो यहाँ ये वाला 0.14 लिया मैंने कहाँ से लिया, मैं लिया हूँ गूगल से, कैसे लिया, यहाँ से लिया। ठीक है, ये वाला पीडीएफ के बारे में बता दिया, और आपको जो स्पेसिफिक हीट है ना तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ पॉलीकार्बोनेट कितना होता है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे किया होता है 1.09 से 1.01 होता है जूल। ठीक है, तो इतने का जो आप उसको निकाल के यहाँ से आप इसको डाल सकते फेलो, यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन में यहाँ पे फेलो पुट करना है। टी कितना है, तो सीधा टी में जाऊंगा, थिकनेस है मेरा 4.37 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू कितना है 3.14 होल स्क्वायर। 0.14 कहाँ मिला मुझे, कौन सा है डी, डी मतलब क्या, हीट डिविजिबिलिटी अल्फा, अल्फा वैल्यू कितना है 0.14, यहाँ पे 0.14 डाल दिया। अब उसके बाद आ जाएगा लॉग, आपका लॉग डाल दिया मैंने, अब मेरा क्या है यहाँ पे बैकेट आएगा, बैकेट आके टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग टेम्परेचर माइनस मोल टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर कितना है 265, मोल टेम्परेचर कितना है 50, ठीक है, डिवाइडेड बाई इजेक्शन टेम्परेचर माइनस मोल टेम्परेचर, इजेक्शन टेम्परेचर कितना है 80, मोल टेम्परेचर कितना है 50, यहाँ से मेरे को मिल गया। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन से आप अगर कैलकुलेशन निकालोगे, साइंटिफिक कैलकुलेशन निकाल लेना, कैसे निकालोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे साइंटिफिक में चले जाना। ठीक है, तो इससे आप निकालोगे तो ये कुछ ऐसे निकल के आएगा, ऐसे कैसे निकल के आएगा, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ, 4.37 इंटू 4.37, ठीक है, स्क्वायर है कितना आ जाएगा 19.09, ठीक है 19.09 ले लिया मैंने यहाँ पे, अगेन इसका भी आपको कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो यहाँ से डिवाइड करता हूँ ना तो आपको जो है इतना वैल्यू मिल जाएगी, इतना प्लस माइनस आप खुद कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब लॉग वाला कैलकुलेशन किसी ने नहीं करा है तो उसके लिए भी मैं सिंपल कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। अब ये जो है आपका यहाँ पे मैं सी कर देता हूँ 215 डिवाइडेड बाई 30 कितना है 7.166 समथिंग है, तो मैं 7.16 ले लेता हूँ। ठीक है, 17 भी ले सकते हो आप, 0.5 के बाद आगे का ले सकते हो आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लेने के लिए उसके बाद सीधा यहाँ पे मैं लॉग पे क्लिक कर दूंगा, लॉग में क्लिक कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा 0.855, तो ये वैल्यू कहाँ से मिला मुझे 0.855 यहाँ से मिला, और यहाँ से कितना वैल्यू बन के आ रहा है इनटू कर दूंगा 13.83 कितना बन के आ रहा है 11.82, तो ये 11.82 है ना ये अप्रोक्सीमेटली आपका कूलिंग टाइम है। इस तरीके से इस मोल का मैंने अप्रोक्सीमेट कूलिंग टाइम निकाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाला मैंने, क्या फॉर्मूला लगाया, कैसे बनाया, तो ये तरीका से आपको निकालना पड़ेगा कूलिंग टाइम। ठीक है, मेटल थिकनेस अगर डायरेक्ट कूलिंग टाइम निकालना है ना, अगर किसी मेटल का भी आपको डायरेक्ट कूलिंग टाइम निकालना होता है ना, एक फॉर्मूला बोलता है, ये फॉर्मूला जो होता है ना, ये फॉर्मूला पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, ये फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है कूलिंग टाइम निकालने के लिए जो हेवीएस्ट वॉल थिकनेस है ना, मैक्सिमम वॉल थिकनेस डिवाइडेड बाई थर्मल डिफिसिविटी ऑफ योर मेटेरियल, इस फॉर्मूला से सारा कहानी स्टार्ट हुआ है। तो थर्मल डिफिसिविटी तो मुझे सही है, प्लस माइन डिवाइडेड बाई थर्मल डिफिसिविटी, अपन क्या है, अपन जो है आपका मैक्सिमम वॉल थिकनेस है, तो ये जो कहानी है वहां से आपका स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हुआ। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लास्टिक मेटेरियल का, कुछ भी कॉम्पोनेंट का कूलिंग टाइम निकाल सकते हो। तो बेस्ट वे टू कैलकुलेट योर कूलिंग टाइम, अगर किसी को भी क्लास ज्वाइन करना है इसी तरीके से प्रैक्टिकली सीखना है ना, तो नीचे नंबर मेंशन है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, सारा चीजें आपको कैलकुलेशन से कराऊंगा, जो भी मोल कराऊंगा प्रैक्टिकल मोल कराऊंगा। क्लास ज्वाइन करना है, नंबर मेंशन है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।